आम आदमी पार्टी लीडर एंड दिल्ली मिनिस्टर आतिशी हैज सेड द ईडी हैज सेंट चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल फ्रेश समन्स टू जॉइन इट्स प्रोब इन अ फेक केस एज शी हैज सेड लिंक टू द दिल्ली जल बोर्ड. आतिशी सेड टू समन्स आस्किंग केजरीवाल टू पे बिफोर द फेडरल एजेंसी नेक्स्ट वीक वर रिसीव्ड आफ्टर द लोकसभा पोल डेट अनाउंसमेंट, वन पर्टेनिंग टू द दिल्ली जल बोर्ड केस, वन पर्टेनिंग टू द लिकर पॉलिसी केस. इन फैक्ट आम आदमी पार्टी इज एड्रेसिंग अनदर प्रेस कॉन्फ्रेंस. दिलीप पांडे स्पीकिंग, लेट्स कट अक्रॉस. बादल जी, नमस्कार दोस्तों. अब ये कहना जो है ठीक नहीं है कि ईडी अपनी डेस्परेशन शो कर रही है. दरअसल ईडी अपनी हरकतों से भारतीय जनता पार्टी की डेस्परेशन शो कर रही है. आप सबने देखा कि एक के बाद एक ईडी ने सम्मन भेजा अरविंद केजरीवाल जी को पेशी के लिए. हर सम्मन का तर्कसंगत जवाब देते हुए जो सवाल पूछे गए उनसे, उन सवालों को ईडी ने इग्नोर किया. सवालों का जवाब देने की बजाय ईडी खुद कोर्ट गई. और सबसे ज्यादा हास्यास्पद स्थिति ईडी की तब हुई कि जब खुद कोर्ट जाने के बाद खुद ही कोर्ट के फैसले को मानने से इनकार कर दिया, अस्वीकार कर दिया. 3 हफ्ते पहले सीएम साहब ने खुद कोर्ट के सामने यह बात कही कि भाई बजट सेशन है, उसके बाद मैं हाजिर हो जाउंगा. कोर्ट ने भी समझाया, 16 तारीख की डेट लगी, 16 को अपीयर हुए. और आज पूरी दुनिया जानती है, पूरा देश जानता है कि ईडी की जो नापाक हरकतें थी, सबके ऊपर, सारे सवालों के ऊपर, हर जुबान के ऊपर माननीय न्यायालय ने बेल देकर उस मामले में ताला लगा दिया. लेकिन ईडी का, सीबीआई का, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नहीं, भारतीय जनता पार्टी का पेट अभी भी भर नहीं रहा. आप सबने एक शेर सुना होगा कि किसी को मेरे बारे में पता कुछ भी नहीं है, इल्जाम हजारों हैं, खता कुछ भी नहीं है. बिल्कुल यही अरविंद केजरीवाल जी के साथ किया जा रहा है. जब ईडी ने देखा कि एक बेबुनियाद, बेसिर पैर का आरोप, मनगढ़ंत आरोप रचकर जब अरविंद जी को गिरफ्तार करने की कोशिश की, तो सच्चे का बोलबाला हुआ, भारतीय जनता पार्टी का मुंह काला हुआ, अरविंद जी को बेल मिल गई. तो अब दोबारा कैसे फंसाया जाए? बेल आने के दिन सूरज के अस्त होने का भी इंतजार किए बगैर भाजपा ने, केंद्र सरकार ने अपने डिस्परेशन को, अपनी आतुरता को, अपनी कुंठा को एक नोटिस ईडी के जरिए भिजवाकर फिर से मैनिफेस्ट कर दिया. फिर से अपने अंदर आगामी चुनावों के परिणामों से जो भय उपजा है भाजपा के अंदर, उस भय को और स्पष्ट कर दिया. अपने डर को दुनिया के सामने जता बता दिया इस कोशिश से, जिस कोशिश के जरिए वो चाहती है कि कई सारे नेता मंत्री गिरफ्तार करने के बाद अब आम आदमी पार्टी के मुखिया को भी येन केन प्रकारेण जेल की सलाखों के पीछे कैद किया जाए. कहीं भी कोई आधार नहीं है, कहीं भी कोई सबूत नहीं है. हजारों रेड हुई, बयान दर्ज हुए, कहानियां गढ़ी गईं. और जब ये सब कुछ करने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल जी को फंसा नहीं पाई, उलझा नहीं पाई, वो डाल डाल रहे, ये पात पात रहे, तो फिर से एक सुर्रा छोड़ दिया है, फिर से एक
बिना सिर पर पैर का पंछी उड़ाने की कोशिश करी है भाजपा ने। हम भारतीय जनता पार्टी से कहना चाहते हैं कि ये जो फिल्मी माहौल आपने देश में बना रखा है, ये जो आपने अपने राजनीतिक अहंकार की भट्टी में सेंट्रल एजेंसीज की इज्जत को झोंक रखा है, ये जो आपने स्टार कैंपेनर ईडी सीबीआई और आईटी डिपार्टमेंट के रूप में लोकसभा चुनाव 2024 में उतार रखे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ आपके भय को जग जाहिर कर रहे हैं। और हम आपको बताना चाहते हैं कि ईडी हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो, आम आदमी पार्टी, पार्टी के नेता, विधायक, मंत्री या देश के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री, जिन्हें सपने में देख के आप भय के मारे आंखें खोल देते हैं, हम में से कोई आपकी इन गिदड़ भक्तियों से, इन तौर तरीकों से, ये जो सुपारी देकर आप एक्शन करवाना चाहते हैं, इनसे हम डरने वाले नहीं हैं, घबराने वाले नहीं हैं। सच के साथ थे, हैं और रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी जितनी जल्दी ये बात समझ जाए, उतनी जल्दी अपनी भी बची कुची साख बचा पाएंगे और इन केंद्रीय एजेंसियों की इज्जत को भी, जो मिट्टी में मिला चुके हैं, पाताल में जाने से रोक पाएंगे। सर, ये मामला कौन सा है जल बोर्ड के मामले में? एक आबकारी नीति मामले में समन 8 बार पहले आ चुका, वो तो सबको पता है। जल बोर्ड वाला ये पूरा मामला क्या है? क्या उन दिनों सीएम खुद जल मंत्री भी थे क्या? मजे की बात ये है सर कि ये जो समन भेजे जा रहे हैं, मैं सच बता रहा हूं, मैं आप पता करिएगा, आप सोर्सेस से आप लोग बहुत सलीके से पता करते हैं। अब आलम ये है कि आम आदमी पार्टी के विधायक नेता ये सोच रहे कि यार ये जो स्पीड ब्रेकर का उद्घाटन किया हमने, लगवाया अपनी गली में, इस पर भी कोई नोटिस आ सकता है? आपने किसी का बिल माफ करवाया, उस पर भी नोटिस आ सकता है? आपने किसी का अस्पताल में इलाज कराया, उस पर भी नोटिस आ सकता है? आपको गिरफ्तार करने के लिए जब यह तय हो गया कि किसी भी किस्म के वैधानिक आधार की आवश्यकता नहीं है, तो आप नोटिस भेजेंगे, आप अपने भय को स्पष्ट करेंगे, आप अपनी कुंठा को जगजाहिर करेंगे? बिल्कुल आइडिया नहीं है, मुझे तो कतई नहीं पता। जो वकीलों की टीम है वो विचार विमर्श करेगी, बट हम भारतीय जनता पार्टी से कहना चाहते हैं एक शेर के जरिए कि जालिम से कहो जेल की तादाद बढ़ा दें, जिंदा हैं अभी मुल्क में सच बोलने वाले। जाएंगे ईडी के समन, 2 समन आया उस पे जाएंगे क्या? Shubh Rana is joining us for more details on this story. Shubh, take us to the main takeaways of Dilip Pandey's press briefing. This morning, the briefings of Aam Aadmi Party are going on. At 10 a.m., there was a briefing by Atishi in which she said that that they are denying that there is no such case of Dilip board. And right now, you were hearing Dilip Pandey, which is doing a live PC right now, and he has been saying that now this party is being scared to even build better roads because they are continuously alleging that the Bharatiya Janata Party is sending them summons on everything they do. And they said that this is the political propaganda which is being spread by Bharatiya Janata Party. And they have also said that Bharatiya Janata Party are using ED and CBI as the star campaigners. And the Aam Aadmi Party's problems are not setting up. And this Sunday has came up with a lot of terror with Aam Aadmi Party. As you have noticed that a day before yesterday, there was summons have been given to Arvind Kejriwal
and tomorrow, Arvind Kejriwal have to again just go to ED to answer about Delhi Jal Board case. And, he have been given bail day after. And just before the Election Commission have announced the dates, 3 hours later, a new and a fresh summon have been issued by the ED. And this ninth summon have been issued by the ED. And, when elections are near, Lok Sabha elections are around the corner. And these summons indicate that the problems of Aam Aadmi parties can increase day by day. And because of this, Aam Aadmi party have been continuously having press conference in which they are saying that this party is not doing anything. And BJP are using ED and CBI as their star campaigners, and they are trying to suppress Aam Aadmi party, but Aam Aadmi party will not stop, and they are not afraid, any of them. And previously, we have observed that Manish Sisodia, Satyendra Jain were also in jail because of the same money laundry and liquor scam case. But now one more case have been added, that is the Delhi Jal Board case. Although the air around this needs to be more clear, but Aam Aadmi Party has been very clearly speaking that this is a wrong allegation which have been put by ED. Yes, back to you. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.